So welcome back once again. In this particular session, we will understand about carbohydrates. So dear friend, what is carbohydrate? So carbon के hydrates को लोग पहले बोलते थे carbohydrate. That is called C. So CH2 to the power N. So, कैसे कहेंगे इसको कंट्रोल जेड करके आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं. मैंने बोला CH2O टू दी पावर N. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. अगर यहाँ पर 6 हम लगा दें इनके जगह पे तो क्या हो जाएगा कि नहीं. तो लोगों ने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स कहलाते हैं इनिशियली. But this theory is completely gone wrong. You know why? Because carbohydrates क्या होते हैं? Polyhydroxy, aldehyde and ketone होते हैं carbon के derivatives. तो अब देखो अगर 11th 12th में आपने अच्छे से chemistry पढ़ी होती तो biochemistry यहाँ पर बहुत easily पढ़ लेते. क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि चीज़ें कैसे important हो सकती हैं हमारे लिए आपके लिए वो बहुत matter है. तो carbohydrates क्या हैं? बेसिकली इनिशियली लोगों ने सोचा था कि यह क्या है, कार्बन और वाटर का समूह जो कंबाइन होकर के कार्बोहाइड्रेट बना देता है. फिर बाद में लोगों ने एल्डिहाइड एंड कीटोन पर रिसर्च किया और बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला लोगों की हो ऐसी बात है. तो फिर लोगों ने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली द एल्डिहाइड एंड कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन. हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप कंटेनिंग बट दिस इज कॉल्ड पॉलीमर. पॉलीमर होगा तो बनेगा ऑलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड. तो कार्बोहाइड्रेट में पॉलीमराइजेशन की कैपेसिटी होती है. ठीक है, ये दिमाग याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीमर्स बाय नेचर. ठीक है, चलिए तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो बिफोर गोइंग इनटू द डीप आई विल स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट क्या कहता है. ये बहुत अच्छा लगता है जब हम यूसी सत्यनारायण पढ़ते हैं तो ये जो बेसिक जो बातें कह जाते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक सोचने के लिए. यू नो बहुत लोगों ने मुझसे, आप लोग हो सकता है कमेंट में पूछो कि व्हाई यू आर नॉट फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री थ्रू डेलिंजर जेनार्ड कार्प आप सॉरी गैरेट एंड गैरिशन एंड स्ट्रायर. बिकॉज डियर वी वॉन्ट टू मेक ए कॉन्सेप्ट फर्स्ट. आई विल डू दैट सेशन ऑल्सो बट This session is only focus on UC saccharide. ठीक है, चलिए. BR polysaccharides, polyhydroxy aldehyde और ketone. पहला पॉइंट ही डिस्कस कर दिया कि हम क्या हैं. BR polyhydroxy aldehyde और ketone classified into mono, oligo and polysaccharide. Held together by glycosidic bond. मतलब जब दो मॉलिक्यूल जो शुगर के होते हैं आपस में अगर हम जोड़ें, ये दो जो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल, दो के बीच में जो बॉन्ड है छोटा सा, ये क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. तो टू कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच टू ईच अदर थ्रू ए बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, और यह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटता भी है जब आप क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे. दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. Supply energy and serves as a structural constituent. अब पूछो ये क्या, एक कौन सी बात बोल दिया. जब आप सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे ध्यान से तो अपर सरफेस पे आपको मिलेंगे क्या, ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइको कंजुगेट्स. सो दीज ग्लाइको कंजुगेट्स आर बेसिकली फॉर द रिजिडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सपोज ए कार्बोहाइड्रेट कभी अंदर सरफेस पर नहीं होता. सेल लिपिड क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, लिपिड बाइलेयर है, है तो लिपिड बाइलेयर है तो हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होती है वो अपर मेम्ब्रेन पे होती है, नॉट ऑन द लोअर सरफेस. व्हाई? बिकॉज आप जो लोअर सरफेस होता है सेल्स के वो मूवमेंट कर रहे होते हैं लेकिन अपर सरफेस क्या होते हैं, रिजिड होते हैं. तो जो आप में आपके अंदर जो रिजिडिटी दिखती है वो ड्यू टू क्या दिखती है, दीज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल. अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी से हटा दिए जाएं तो आपकी बॉडी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी शो करेगी. जो आपके बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल. ठीक है, चलिए.
चलें आगे बढ़े। सो द कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द नेचर। द प्राइमरी जो एलिमेंट्स होंगे कार्बोहाइड्रेट के वो क्या होंगे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मैंने पहले ही बोला था। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पोजेस एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH2ON, मैंने आप पहले ही बोला सम बोला क्यों, क्योंकि ये बात बाद में गलत हो गई। वे आर द एन इज द नंबर ऑफ रिपीट्स, है ना, कितने सी हैं, कितने एच हैं, कितने, ठीक है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर इन द इन फैक्ट कार्बन हाइड्रेट, हाउएवर देयर आर सेवरल नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, फॉर्मूला दिस, लैक्टिक एसिड दिस, ऑल्सो अपीयर एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ गया ना, अभी हम बोल रहे थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का इंपेरिकल फार्मूला CH2ON होना चाहिए, लेकिन इसमें भी देखो सेम हो रहा है, लैक्टिक एसिड में भी सेम हो रहा है। हाउ एसिड कैन बिहेव एज ए कार्बोहाइड्रेट, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन अ डेफिनेशन, सो डेफिनेशन चेंज हो, ठीक है। सम ऑफ द जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स डू नॉट सेटिस्फाइड द जनरल फॉर्मूला, क्योंकि भैया जो कार्बोहाइड्रेट है वो इवन नंबर को ही फॉलो नहीं करेगा, ऑड नंबर को ही फॉलो करेगा। जब ऑड नंबर को फॉलो करेगा तो फिर क्या वो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं करेगा। सो हेंस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नॉट ए बेस्ट सुटेड डेफिनेशन ऑफ कार्बन, अंडरस्टैंड। सो कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइन एज द पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस ऑन hydrolysis. The term sugar is applied to carbohydrate, soluble water and sweet to taste. ऐसे sugar molecule carbohydrate के sugar molecule कहे गए carbohydrate में जो sweet थे taste wise और water में complete soluble थे, ठीक है। So there are the most abundant dietary source of energy in this universe. ये carbohydrates के जो कुछ features हैं, यहाँ पे शायद मुझसे छूट गया, है ना, function of carbohydrates. So पहला function जो बहुत important है वो क्या है, dietary source है energy का, ठीक है। Fat क्यों नहीं, carbohydrates are the precursor for many organic compounds. कार्बोहाइड्रेट आर प्रिकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज फैट एंड अमीनो एसिड्स, जब पढ़ेंगे तो आपको देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स प्रिकर्सर क्या होते हैं, जहां से कोई नया मॉलिक्यूल रीजनरेट हो, यानी आपके लिए आपके पिताजी क्या कहलाएंगे, एक तरह से प्रिकर्सर कहलाएंगे, समझ में आया। प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है, जहां से कोई चीज निकले, ऑरिजिनेटर, हु इज द ऑरिजिनेटर, दैट इज कॉल्ड प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। सो कार्बोहाइड्रेट वेरियस फैट्स और अमीनो एसिड को भी क्या करते हैं, विटामिन को भी, ठीक है। तो ये चीज भूलिएगा, कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मैंने अभी भी बोला कि जो आप लिपिड बायलर देखते हो, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ मिलेंगे, ग्लाइको अपर सरफेस पे, जो कि मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं अधेशन में भी और फर्टिलाइजेशन में। पढ़िएगा तो समझिएगा, they are a structural component of many organism. They include fibers called cellulose, cellulosic fibers plants se aata hai, exoskeleton of some insect and the microorganism. jo chitin hota hai wo kiska hota hai, jo cockroach wagera ka jo upar jo rigid layer dekh rahe hain wo kya hota hai, carbohydrate banne hota hai, theek hai. carbohydrate also serves as a storage form of energy, that is the glycogen, to meet the immediate energy demand of the body. अब इसको आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा आपसे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर में लड़ गए हों और कहें आज तो खाना नहीं खाना, ठीक है भाई मत खाओ, और हमारी मम्मी जैसे आपकी अगर मम्मी होंगी तो कहें भैया मरो, कोई बात नहीं तुम आराम से जैसे जीना जी, तो ये बॉडी जीता कैसे एक दो दिन,
क्योंकि पर डे आपको एक दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। आप खाओ मत खाओ उससे बॉडी को मतलब नहीं है, उसको चाहिए। तो क्या होता है ना, हम लॉन्ग टर्म में खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में चीज़ें स्टोर होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जब आप भूखे होते हैं तो एक ग्लाइकोजन फिर वापस निकलता है, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसके टूटते हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको मिलने लगता है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, जब आप स्टार्व रहते हैं, स्टार्व कंडीशन में रहते हैं, तो यही ग्लाइकोजन निकलता है आपको बॉडी में, वापस जाकर के आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। समझ में आई बात? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन रिफर्ड एज ए सैकराइड। सैकराइड मीन्स शुगर। सैक्रोन वर्ड ग्रीक वर्ड है जिससे शुगर की बात। There are broadly classified into three major groups, that is the mono, oligo and polyne. Okay? थोड़ा सा पढ़ लो। तो एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको कहा कि मोनोसैकेराइड विथ स्केलेटल एग्जाम्पल्स, वो सब चीज देखेंगे। तो पहली बात आपको दिमाग में रखना है कि ये अल्डोज हो सकता है या कीटोज हो सकता है। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड होगा तो अल्डोज कहेंगे, अगर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा तो क्या कहेंगे? कीटोज। ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन पे भी इनमें अलग कहानी। ठीक है। ट्रायोजेस अल्डो ट्रायोज हो सकता है, अल्डो कीटोज भी हो सकता है ना। ट्रायोज तीन कार्बन का, टेट्रोज चार, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। हेप्टोज इन जनरल है। ठीक है। देखिए ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है। ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पे देखिए इराइथ्रोज है, इराइथ्रुलोज है। तो लोज जहाँ लगे मिला हुआ मिले, राइबुलोज, हेप्टुलोज, लूलोज जहाँ मिले हो समझे हो कि डोन बॉडी कंटेन कर रहा है। और डायरेक्ट अगर ठेठ है, सीधे सीधे अगर आता है तो समझिए को एल्डोज है। ठीक है। मे बी समटाइम आई विल यूज माई ओन लैंग्वेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ यार। अगर इन्जॉय करना है तो करो, स्टे ट्यून्ड, अदरवाइज तुम अभी भी यहाँ से क्विट कर सकते। ठीक है। द नंबर ऑफ शुगर यूनिट, दैट इज द मोनो, ऑलिगो एंड सैकेराइड आर स्वीट और टेस्ट, दैट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सॉल्वेंट इन वाटर, हिंस दीज मॉलिक्यूल आर नोन एज शुगर। शुगर तभी कोई कहलाएगा, स्वीट इन टेस्ट हो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखता हो और वाटर सॉल्युबल हो, तभी वो कोई शुगर कहलाएगा। ठीक है। चलिए मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है? सिंपल शुगर जो CH2ON के फॉर्म में हो, CnH2N के फॉर्म में हो, इसे हम कहते हैं सिंपल शुगर। एंड दे कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, मतलब ये जो यूनिट मॉलिक्यूल है ये फिर से हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। द मोनोसैकेराइड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैंने पहले ऊपर में लिखा था। ठीक है। अल्डोज कब कहेंगे? जब फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा ना। कीटोज कब कहेंगे? जब फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। ठीक है। डाइहाइड्रोक्सीटोन हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, यहाँ ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, दीज आर द, यही है ना कि जब हम ऐसे पढ़ाते हैं तो पता है बायोकेमिस्ट्री कम मजा आता है पढ़ाने में, जब सामने ब्लैक बोर्ड हो, हाथ में चौक हो, तब पढ़ाने का मजा ही कुछ और है। इसीलिए पता है आज की एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी सी बदल गई, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन वीडियोज, इंट्रैक्शन नहीं हो पाता। इसलिए बायोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, बायोकेमिस्ट्री को पढ़ाना है ना, सामने आपको रहना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री वो वैसी गर्लफ्रेंड की तरह है ना, जो ना छोड़ेगी न जाएगी, साथ रहेगी, बर्बाद करेगी हमेशा, याद रखिएगा। तो ये बायोकेमिस्ट्री से जो जिन्हें प्यार होगा वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री आपको कभी जिंदा नहीं, आसानी से तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर एक बार बायोकेमिस्ट्री अच्छे से समझ लो ना, मैं लिख के कहता हूँ, बहुत मजा आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, बस बायोकेमिस्ट्री पे कमांड रखो। ठीक है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोनोसैकेराइड रिप्रेजेंट द ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, यानी सात कार्बन तक मैक्सिमम अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। ठीक है। समझ आया। ऑलिगोसैकेराइड क्या होता है? जब 2 to 10 मोनोसैकेराइड जो है, चार कार्बन के तीन कार्बन के आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ऑलिगोसैकेराइड।
यानी फ्यू मोनोसैकेराइड आर अटैच्ड टू ईच अदर विथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड देन टू फॉर्म अ चेन शॉर्ट चेन. और ये चीज जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, लिबरेट हो जाएंगे. बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट द ऑलिगोसैकेराइड आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड. ठीक है, चलिए हम आगे जब पढ़ेंगे तो समझ लेंगे. पॉलीसैकेराइड क्या है, जब मोर देन 10 to 20 जब आपस में मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ेंगे, चाहे वो शुगर हो या नॉन शुगर हो, ठीक है, आपस में जुड़ेंगे. और बेसिकली जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो हायर मॉलिकुलर वेट के होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, और दे आर ऑल आर बेसिकली नॉन शुगर इन नेचर, डिजॉल्व वाटर में नहीं होते. दे फॉर्म कोलाइड्स इन वाटर, कोलाइडल सोल्यूशन बनाएंगे. पॉलीसैकेराइड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होमोपॉलीसैकेराइड एंड दूसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड. ठीक है, मोनोसैकेराइड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, मोनोसैकेराइड के कुछ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं. ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, इसके लिए मैं आपको एक लिंक पे वीडियो दूंगा. ठीक है, मैंने शायद वो बना रखा है, उसको आप देख लेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इस पर मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बना रखा है. ठीक है, आई विल पुट इन टू द list and then try you I will just say go through that video. Okay, glyceraldehyde, the reference of carbon, जो ये सारे isomerism को दिखाना है तो glyceraldehyde को क्या करते हैं, एक reference point लेकर चलते हैं. ठीक है, glyceraldehyde that is called triose, that is aldo triose, है ना, aldo और keto तो होगा ना. ठीक है, the simplest monosaccharide with one एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं, वसा कार्बन, सॉरी जिनके चारों तरफ सॉरी जो मोएटी लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड दैट ए बी सी डी जो भी होंगे, ये ऑल आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन. ओके, ठीक है, अब हम इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए. तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को एक जगह इन्होंने किया है, और इसीलिए यूसी सत्यनारायण मैं आपको भी फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इससे बेसिक्स आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी. और ये टेबल्स जितने भी यूसी सत्यनारायण में हैं इनको देखना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपके पास बुक्स हैं तो यूसी सत्यनारायण के नोट्स अगर बनाना चाहो तो इन अगर खाली सिर्फ टेबल्स को आप लिख लो तो आई कैन से कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक डीप नॉलेज तो नहीं होगा बायोकेमिस्ट्री का, बट हाँ अगर ओवरव्यू देखा जाए तो आप कई चीज़ें को समझना शुरू कर देंगे. देखिए ग्लिसरेल्डिहाइड, दिस इज अल्डो ट्राइओज, ठीक है, फाउंड इन सेल एज ए फॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस. अभी मैं मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ा रहा सो उसमें नहीं जाऊंगा, बट हाँ मेटाबॉलिज्म इज वेरी लिंक टू द बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि यही बायोमोलिकुल्स की मेटाबॉलिज्म होती है, तभी तो मेटाबॉलिज्म आप पढ़ते हो. तो ग्लिसरेल्डिहाइड का जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, फॉस्फेट के रूप में सेल के अंदर पाया जाता है, द ग्लाइकोलिसिस इंटरमीडिएट. अब देखिए डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फाउंड इन सेल एज ए फॉस्फेट, ये भी ग्लाइकोलिसिस का होता है इंटरमीडिएट. जो आप कहते हैं ना डीएचएपी है ना, ग्लिसरेल्डिहाइड, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं, याद कीजिए ग्लाइकोलिसिस, याद आ जाएगा, ये दोनों मिले. चलिए ये ग्लाइकोलिसिस के, यानी कि ए वाला जो पार्टिकुलर ट्रायोज आपने देखा वो कहाँ मिलेगा, ग्लाइकोलिसिस अच्छे से पढ़िए दिख जाएगा. ठीक है, अब है टेट्रोज, यहाँ पे इराइथ्रोज है, इराइथ्रोलोज का नहीं दिया है क्योंकि कीटोन का नहीं दिया है, जो बेसिक ये उसी को अरेंज कर रहे हैं जो कि कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट. तो इराइथ्रोज वाइड स्प्रेड होते हैं कंपोनेंट्स में,
फोर फॉस्फेट एंड इंटरमीडिएट इन ए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। पढ़िए मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आएंगे, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग मेटाबॉलिज्म, वी आर जस्ट गोइंग टू द बायोमोलिक्यूल्स प्रोस्पेक्टिव। ओके, सो दैट इज कॉल्ड पेंटोज। पेंटोज में है डी राइबोज। राइबोज कहाँ मिलता है? बाइड स्प्रेड इन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ आर एन एंड न्यूक्लियोटाइड, है ना। फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ आर एन एंड न्यूक्लियोटाइड, है ना, कोएंजाइम की तरह भी बहुत जगह एटीपी, एनएडी, एनएडीपी, तो ए राइबोज वहाँ पर आते हैं, राइबोज शुगर उसमें होते हैं। ठीक है, अब है डीऑक्सी राइबोज। राइबोज था आरएनए में, अब यह है डीएनए फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, जब डीएनए पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी शुगर आएगा, तो समझाया जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, अब है डी राइबुलोज। ये होता है जब आप पढ़ेंगे एचएमपी, एक्सोज मोनोफॉस्फेट साइट, यानी एचएमपी पाथवे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको राइबोज, राइबुलोज ये सब आपस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं बहुत सारे प्रोसेस में, तो वहाँ पे आपको देखेंगे। अब है डी जाइलोज, कंस्टिट्यूंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड गम। गम में आपको मिलेगा, इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अब है एल जाइलोज एंड डी जाइलोज, ये सारा मैंने आइसोमर ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो उस पर हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। एज एन इंटरमीडिएट ऑफ यूरोनिक एसिड पाथवे, दैट इज द हार्ट मसल, पढ़िए। ठीक है, अब एक सोच में आ जाए तो ग्लूकोज का क्या काम है? एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, ग्लाइकोजीन, सेलुलोज, सब में ग्लूकोज यूनिट होता है। डाइसेक्राइड में माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब में आपको कहीं ना कहीं ग्लूकोज दिखेगा। ऑल्सो फाउंड इन द फ्रूट्स, फ्रूट में मिलता है। तो शुगर फ्यूल है ऑफ लाइफ, एक्सट्रेटेड इन यूरिन। जब डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनसे डायबिटीज वाले पेशेंट का शुगर यूरिन में निकलता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेलिंग प्लांट्स, समझ में आया। डी ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज जो होता है एक लैक्टोज, एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लैक्टोज है जो कि मिल्क शुगर कहलाता है, जो शुगर मिल्क में मिलता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक डिजीज है जो बच्चों में होती है, जो बच्चे दूध नहीं पचा पाते हैं उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस बॉय अगर कहते हैं, उनके लिए ये जो लैक्टोज है उस मिल्क से बाहर किया जाता है। ठीक है, उसकी एक अलग प्रोसेस है, तो पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, है ना, फेलियर लीड्स टू लैक्टोसिन, एक डिजीज। मैनोज, ग्लूकोज का एक ईपीमर है। फाउंड इन द प्लांट पॉलीसेक्राइड एंड एनिमल ग्लाइकोप्रोटीन, स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड। डी फ्रुक्टोज, फ्रूट एंड हनी में आपको मिलेगा, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सुक्रोज एंड इलीन। और ये जो फॉस्फेट इंटरमीडिएट है आपको कहीं ना कहीं फिर से ग्लाइकोलिसिस में देखने को मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका एक सोल्यूशन, समझ में आया। अब है हेप्टोज। सो डी सीडोहेप्टोलोज जो है फाउंड प्लांट में होता है, सेवन फॉस्फेट इंटरमीडिएट, फिर एचएमपी सेंटीमेंट। अब डाई सकते हैं सुक्रोज, ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ केन शुगर, बीट शुगर, पाइन, मोस्ट कॉमनली यूज शुगर सप्लाइंग इन फॉर द कैलोरीज। लैक्टोज, मिल्क शुगर, एक्सक्लूसिव कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज और ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स। लैक्टोज डिफिशियंसी, लोग कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस लीड्स टू डायरिया। ऐसे बच्चे जो कि लैक्टोज को नहीं पचा पाते हैं, मिल्क शुगर देखते हैं कभी बच्चे, कई लोग, कई डॉक्टर लोग कहते हैं नहीं उनको दूध मत। व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन इज लैक्टोज इंटॉलरेंस, अगर उनको दूध दे दो तो उनको डायरिया शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग कहते हैं ना हमारा बच्चा दूध ही नहीं पी रहा, दूध पीता है तो बहुत ज़्यादा दस्त होने लगते हैं, तो प्रॉब्लम ये नहीं है, एक बार जाके चेक कराइए वेदर योर बेबी इज लैक्टोज इंटॉलरेंस और नॉट। माल्टोज भैया, ये बेवरेज इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो आप देखते हैं जो दारू वगैरह मिलता है उसमें माल्टोज से भी बनाया जाए। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, है ना, स्टार्च को ही तो हम लोग वो करके बनाते हैं। ठीक है, और जर्मिनेटिंग सीड्स में भी आपको माल्टोज मिलेगा। ठीक है, सो
ये रहा आपका ग्लिसरल्डिहाइड, दैट इज इन द डी फॉर्म। आप देख रहे हैं इधर से राइट की तरफ मुड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे डी ग्लूकोज। और यही चीज़ जब आप देखोगे यहाँ से, जब आप देखेंगे तो यहाँ से कैसे जा रहा है, लेफ्ट की ओर। अगर कोई चीज़ लेफ्ट की ओर जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे एल फॉर्म, यानी डेक्स ट्रो फॉर्म और लिवो फॉर्म। तो ए था ग्लिसरल्डिहाइड और ये था ग्लूकोज, समझ में आया। यहाँ पे है देखिए एक चीज, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में अंतर बस सिर्फ नीचे वाले पे है, बाकी कहीं पे भी आपको अंतर नहीं दिखाई देगा इसी पर, ठीक है। चलिए अब डी एंड एल के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो चलिए पढ़ते हैं। डी एंड एल आइसोमर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, द स्पेशियल ऑरिएंटेशन ऑफ एच एंड ओ एच ग्रुप ऑफ ऑन द कार्बन एट द सी फाइव ऑफ द ग्लूकोज एडजेसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल कार्बन। प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा? ये जो सी एच टू ओ एच देख रहे हैं ना, आर सी एच टू ओ एच अगर आपको कहीं मिल रहा है, सी एच टू ओ एच यानी दिस फॉर्म, तो हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अगर आर में अगर यहाँ से सी एच यहाँ पे दो ओ एच लगा लें, यहाँ पे आर सी एच कर लें और ओ एच के जगह पे दो ओ एच लगा दें तो ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अगर तीन लगा दें, जैसे ग्लाइकॉल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ग्लिसरॉल क्या है, टर्शियरी अल्कोहल, समझ में आया। तो ये जो आप देख रहे हैं मॉइटीज, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। द शुगर डी से रीच द लेफ्ट साइड बिलोंग टू द एल, चलिए ठीक है। अब इट मे बी नोटेड दैट नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड इन मैमेलियन टिश्यूज आर मोस्टली डी कॉन्फिगरेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है कि जो जितने भी हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे वो डी फॉर्म डी कॉन्फिगरेशन के मिलेंगे, और जितने भी प्रोटीन मिलेंगे वो एल फॉर्म के मिलेंगे जो नेचुरल हैं, और इनके कन्वर्जन से बहुत बड़ा डिजीज हो जाता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। पॉइजनिंग जो होती है, अक्सर जो प्रोटीन की पॉइजनिंग होती है वो एल फॉर्म से डी फॉर्म के कन्वर्जन के कारण ही हो जाती है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड जो मैमल्स टिश्यूज में है वो डी कॉन्फिगरेशन क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिगरेशन एंड कन्फर्मेशन, ठीक है। ट्राई टू कमेंट मी इन दैट कमेंट बॉक्स। द एंजाइम मशीनरी ऑफ सेल इज स्पेसिफिक टू मेटाबोलिज्म, दैट इज डी सीरीज ऑफ मोनोसैकेराइड। In medical practice, the term dextrose is used for glucose in solution. This is because of the dextrorotatory nature of glucose. हम कभी कभी dextrose कह देते हैं, तो dextrose कुछ नहीं है, तो ये जो motion है डी फॉर्म के glucose का, इसलिए हम कहते हैं dextrose. तो dextrose को ये नहीं समझिए कुछ अलग है, this is glucose solution, nothing. Optical activity आपको मिलेगी कार्बोहाइड्रेट्स में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मतलब कि पकड़ है इनके बीच में। सो द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विद एसिमेट्रिक कार्बन। अगर एसिमेट्रिक कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाए। अगर वो राइट हैंड साइड से अगर देखिए क्या कहता है, व्हेन ए बीम ऑफ पोलराइज लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इट विल रोटेट आइदर द राइट और द लेफ्ट। If it is from the right called dextro, if it is from the left that is called levo. Beam of light pass करेंगे तो compound move करेगा, ठीक है। इसमें हम पहले confuse करते थे compound move करता है या light move करता है ना, तो नहीं भाई, plane को light light जैसे ही आप pass करोगे solution से तो वो compound move करेगा, ये दिमाग में आ रखिए। बहुत दिन तक हमें यही पता नहीं चला कि कंपाउंड घूम करता है लाइट घूमता है, तो लाइट नहीं घूमता, लाइट के कारण कंपाउंड मूव करता है। टू कंपाउंड दैट रिस्पेक्टली रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट
रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन प्रोजेक्टाइल लाइट टू द राइट टू द लेफ्ट। ठीक है, समझ में आई बात। द ऑप्टिकल आइसोमर में डिस्टिंग्विश्ड एज डी प्लस एंड डी माइनस एंड एल प्लस एंड एल माइनस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल रिलेशन विद द ब्लिस्टल डिहाइड। It may noted that the D and L configuration of the sugar are primary based on the structure of glyceraldehyde. Sorry. एक चीज यहाँ पे भूल हो गई। ये जो plain prodrylite light डालेगा तो plain prodrylite light move करेगा नहीं कि compound। मैं गलती कर दिया। Compound that respectively rotate the plain prodrylite light to the right or the left। यानी compound रखेंगे तो light move करेगा। इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप भी क्लियर रहिएगा कि कंपाउंड मूव कर रहा है या लाइट। तो लाइट मूव करती है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से, कंपाउंड वैसे रहता है, लाइट मूव करती है। ठीक है, रेसेमिक कंपाउंड क्या कहते हैं? डी एंड एल आइसोमर्स आर प्रेजेंटेड इन इक्वल कंसेंट्रेशन, इट्स नोन एज द रेसेमिक मिक्सचर ऑफ डी एंड एल मिक्सचर, है ना। डज नॉट एग्जिबिट एन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये ऑप्टिकल रेसेमिक कंपाउंड में क्या है, लाइट मूव नहीं कर पाएगी क्योंकि दोनों मिक्सचर इक्वल है, इक्वल कंसेंट्रेशन में। ठीक है, कैंसल हो जाती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एल डोज, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉसिबल ऑफ डी एल डोज स्टार्टिंग फ्रॉम डी ग्लिसराल्डिहाइड इज डिपिक्टेड इन फिगर 2.2। वहां पे आपको दिखाया गया, 2.2 पे आपको दिखाया गया। यहाँ पे हम अच्छे से ये किलियानी फिशर प्रोजेक्शन, ये क्या है इसको पढ़ेंगे। एंड अल्डोज बाय वन कार्बन एट ए टाइम, दस स्टार्टिंग विथ अल्डो ट्रायोज, दैट इज 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन एंड 6 कार्बन एंड सो एंड सो। सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी कीटोज स्टार्टिंग फ्रॉम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दैट इज अ ट्रायोज, 5 sugar एंड सो एंड सो फॉर्थ। इपिमर्स क्या, इपिमर्स वो कहते हैं कि एक सिंगल कार्बन पोजिशन पे अगर कोई मॉलिक्यूल मूव करे, OH का पोजिशन राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट हो जाए, तो हम कहेंगे इपिमर्स। जैसे ग्लूकोज एंड मैनोज आपस में इपीमर्स, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आपस में इपीमर्स हैं। और ये क्वेश्चन CSIR ने पूछा है आपसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबर में भी, 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में। तो इंपेरिकल फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ग्लूकोज की इपीमर्स अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा। ठीक है, अब है डी ग्लिसराल्डिहाइड, द 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, फिर एक एक कार्बन मॉइटी बढ़ेंगे, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन एंड सो। डबल एरेंजर में देखिएगा तो यही चीज आपको और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए और इसको मैं लिंक डाल दूंगा, इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि क्या कैसे क्या होता है। इनेंसियोमर क्या होता है? इनेंसियोमर आर द स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, द टू मेंबर आर डिस्टिंग्विश्ड इन डी एंड एल, दैट आर इनेंसियोमर ऑफ ग्लूकोज डिपिक्टेड इन 2.5। ये है आपका कीटोन, ऊपर में जो देख रहे थे वो क्या था, एल्डिहाइड। ठीक है, इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अब सर्कुलराइज जब आप करेंगे अल्डिहाइड और अल्कोहल, तो पहले हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनेगा, तो कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोन कीटल बनेगा, और फिर ये करके। ठीक है, तो पायरेनोज एंड फिरोनोज स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, जो जब स्ट्रक्चर जब ये हेमी एसिटल जब मोनोसैकेराइड सर्कुलराइज वे में बनता है, तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर सर्कुलर मोनोसैकेराइड। तो सर्कुलराइजेशन कैसे होता है, तो ये पहले अल्डिहाइड और अल्कोहल आपस में
मिलते हैं, हेमिसिटल बनाते हैं, फिर एसिटल बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से पहले कीटोन आता है तो हेमी कीटन बनाते हैं, फिर कीटन, ठीक है। यहाँ पे आपका ईपीएमएस लिखा रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है। तो देखिए सर्कुलाइजेशन जा रहा है, ठीक है, अल्फा डी एंड बीटा डी, ये सब अच्छे से मैंने वीडियो में कवरअप कर रखा है, तो वहाँ से आप इसे देख सकते। पायरान रिंग मीन्स बेंजीन रिंग, फिरान रिंग मीन्स दिस, और ये आपको डीएनए में मिलेगा, और ये आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देखिए पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। म्यूटा रोटेशन पढ़िएगा, टॉटोमेराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको पढ़िए कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं, आई विल सेंड यू। हाँ, रिड्यूसिंग शुगर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब जो कार्बोहाइड्रेट का जो बाहर का जो, जैसे हम जब सर्कुलराइज कर रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो अगर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप रहेगा, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा बाहर में, तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। अगर बाहर में नहीं रहेगा तो नॉन रिड्यूसिंग कहलाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक इस पर हमें एक पार्टिकुलर एक बढ़िया से वीडियो बना करके आपको देना चाहिए, तो हम उसमें देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ए, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड शुगर्स, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी है ना, ये सब थोड़ा सा इसको पढ़िए, ये सारी चीज़ें देखिए है ना। रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप अगर होगा तो कहेंगे रिड्यूसिंग, अगर नहीं होगा एल्डिहाइड और कीटोन तो क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये सारे डाइसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स के खास करके बॉन्ड क्या क्या होते हैं बीच में, अल्फा है ना, बीटा 1,4 है, अल्फा 1,2 है, इस तरह के जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जो लिंकेज है पैटर्न, वो कभी कभी पूछता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो पूछता है उसी पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ख़ास करके और चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अमाइलोपेक्टीन क्या है ये सब पढ़िएगा, एंड शुगर्स के नेचर को आप अच्छे से लिखिएगा, डेक्सट्रीन क्या है, इनुलिन क्या है, ग्लाइकोजिन क्या है, काइटीन क्या है, हाइलुरोनिक एसिड भी आएगा कहीं कार्बोहाइड्रेट में, देखें हाइलुरोनिक एसिड इसका क्या काम है ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, खास करके सारे पढ़िएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, ठीक है। इसमें कौन सा लिंकेज होता है, हेपेरिन क्या है, हेपेरिन पहले हमने हेपेरिन को प्रोटीन समझा था, बस ये सर के क्वेश्चंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है ना, और इस वाले पर्टिकुलर चार्ट को आप अच्छे से देखें और याद करने की कोशिश करें, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर, तो इस तरह से इसको आप देखिए, ठीक है। ब्लड ग्रुप में भी बहुत इंपॉर्टेंट शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल से डिसाइड होते हैं ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप की भी बायोकेमिस्ट्री थोड़ी पढ़ने की कोशिश कीजिए, कभी होगा तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कहिएगा तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये भी चैप्टर आपका ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखिए और इसके जो भी क्वेश्चन हैं उनको सम सॉर्ट ऑफ बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया है, और कार्बोहाइड्रेट पे पूरा वीडियो नहीं है, इस पर हम बढ़िया से वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। ये बस समहाउ मैं आपको बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती। सी यू सून इन द नेक्स्ट।